आपके प्रोडक्ट बेचने से आपकी सेल बढ़ाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। वित्त वर्ष 2021-22 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश देश का पांचवा सबसे बड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। निर्यात के मामले में अब उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ही हैं। इस समय अवधि में वैश्विक महामारी कोरोना के बावजूद निर्यात में 30% की वृद्धि हुई है। 2020-21 की तुलना में 2021-22 में ये 1,21,140 करोड़ रुपए से बढ़कर 1,55,897 करोड़ रुपए हो गया है। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद आर्थिक मोर्चे पर बेहद चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखे थे। उन्होंने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की बनाना, वहीं बेरोजगारी दर कम करना और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करना जैसे टारगेट सेट किए थे। मुख्यमंत्री ने इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ठोस बुनियाद भी मुहैया कराई। वहीं मसलन इसके लिए सरकार 2017 में औद्योगिक निवेश एवं प्रोत्साहित नीति लाई। निवेश मित्र पोर्टल के जरिए लगभग 350 सेवाओं को ऑनलाइन किया। 9 ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की व्यवस्था को भी ऑनलाइन किया। बड़े निवेशकों के लिए अलग से व्यवस्था की। इन सब के साथ प्रदेश की छवि बदलने के लिए कानून व्यवस्था और विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं पर भी बराबर का जोर रखा। वहीं इन सब का नतीजा ये रहा कि इन्वेस्टर्स समिट में देश के लगभग सभी दिग्गज निवेशक आए और प्रदेश में खुले दिल से निवेश किया। इसके बाद अब तक हुई 3 ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में कुल 2,08,994 करोड़ रुपए का निवेश प्रदेश में आया है। पहली ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के दौरान राज्य में कुल 61,792 करोड़ का निवेश आया, तो वहीं दूसरे ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में निवेश बढ़कर बता दें 67,202 करोड़ रुपए पहुंच गया। देश विदेश के शीर्ष उद्योगपति, वहीं केंद्रीय और राज्य सरकार के मंत्रियों की उपस्थिति में संपन्न तीसरी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी में 80,224 करोड़ की 1,406 औद्योगिक परियोजनाओं का शिलान्यास व भूमि पूजन किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। झटपट दुकान स्टोर बनाने से आपके स्टोर को हर घर तक ले जाने तक। बिग ब्लिस, बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।